मतलब ऐसे कोई चीज है नहीं जो ये भागवत हमें प्रदान नहीं करती है। यहाँ सभी भगवान की चरण की भक्ति देकर हमें चिरकाल के लिए हमें शांति सुख देकर के भगवत लोक में पहुंचा देती है। लेकिन ये भागवत कथा को ठीक से सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बीच में आए और आधा में चले गए। कथा सुनने का नियम है, सबसे पहले आओ, कथा को प्रणाम करो, कथा वाचक को, स्थान को, ठाकुर जी को, सबको प्रणाम करके बैठो और प्रेम से गदगद होकर सुनो और कथा का विश्राम को बाद में फेर कर। अगर सही सही अगर कथा सुनोगे ये भागवत हमारी सारी इच्छाओं को ये पूरी करते हैं। इसलिए अब लोग भागवत के ऊपर में जो पुष्प है हम सबके साथ अर्पण करता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राम। वृंद नमस्ते चरणारविंदम्।
हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरा से हे रूप दुर्गत जने दया बुलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव विपुल तमन्दमतीर्थयाङ्गभरा तमालि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतं स्वरूपं जनक प्रभजन्त मनपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहतातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द सब बरहात बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 मेरे गुरु पाद पद्म मित्रिला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म मित्रिला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण, आज हम लोगों का अहोभाग्य है श्री सनातन धर्म मंदिर में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम हैं जो काम को हम पैसा के बल पर कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में जन बल हो लोग हमें मदद करने वाले हो जो काम को हम जन बल से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बल क्या है कहते मन की बल है। जगत में ऐसे कुछ काम हैं जो काम को हम मन बल से कर सकते हैं, लेकिन इस जगत में सबसे जो ज्यादा बल है कहते ये सिर्फ आत्मबल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो सिर्फ आत्मबल से हम कर सकते हैं, कहते ये श्रीमद् भागवत कथा रखना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई जन बल से रख सकता है, न तो कोई धन बल से रख सकता है, न तो कोई मन बल से रख सकता है, न तो कोई आत्मा बल से नहीं रख सकते हैं। जब तक ठाकुर जी की कृपा बल नहीं हो, जब तक साधु संतों की कृपा बल नहीं हो, कभी ये भागवत कथा कोई रख नहीं सकते और ये भागवत कथा कोई सुन नहीं सकते। जब कथा शुरू हो जाएगा फिर ये माला फाला के चक्कर न मत डालना, ये चुपचाप बैठ जाना। जब कथा शुरू होने से पहले साधु जी दिया गया कथा को वो तो कोई काम नहीं कर रहे, चुपचाप माला दे दो फटाफट दिमाग बना दे दो ठीक है याद रखनी चाहिए। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कहते एक जन्म नहीं बोले बहु जन्म समर जितेना, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम,
बोले करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब कोई सौभाग्य उदय होती है तभी ये भागवत कथा को कोई सुन सकते हैं और ये भागवत कथा को कोई ही रख सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये भागवत कथा की इतने दुर्लभ है, इतने दुर्लभ है। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसा। कहते जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुई है, बोले स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवता का सौभाग्य भी ये भागवत कथा नहीं मिलती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जिस समय श्री परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाने जा रहे थे, हम जिन जिन देवताओं को पूजा करते हैं अपना घर में, ये स्वर्ग से 33 करोड़ देवता अपना देवियों को साथ में स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के यहाँ पर आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? बोले इसलिए सुना रहे हो, इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। बोले हाँ। बोले हम स्वर्ग से ये अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरी की पूरी ये अमृत कलश को ले लो। लेकिन अगर आप परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दोगे ना, ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा, आप हमें भागवत कथा सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी उनको खदेड़ दिया वहां से। वो उदाहरण देते हैं, अगर कोई कांच के टुकड़े लेकर के आए, बोले इसको ले लो आप, लेकिन आपको पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो। आप दे दोगे तो आप दोगे? एक मणि को कांच के टुकड़े को मिलेगा ना, आप दोगे? इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं, को काच को मणि महान, ये स्वर्ग का जो अमृत है कहते ये कांच के एक टुकड़े जैसे, लेकिन ये श्रीमद भागवत कैसे है? कहते ये मणि सदृश ये श्रीमद भागवत है। इसलिए उन्होंने देवता को वहां से उन्होंने भगा दिए। इसका मतलब है जो व्यक्ति ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण करते ही कहिए देवताओं से भी ज्यादा सौभाग्यवान है जो ये भागवत कथा श्रवण करते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा जो से जयकार कर पड़ सी, आप जितने भागवत कथा की जयकार बोले ना उतना पाप खत्म होगा। भगवान का तो जय जय है ही, ठाकुर जी को जय देने से ही जय होता है, ठीक है ना? जोर से बोलो भागवत कथा नहीं छूटती। बोले स्वर्ग की बात ही छोड़ो, उसको सात लोक ऊपर में ये ब्रह्म लोक है। कहते ये श्रीमद भागवत कथा ये ब्रह्म लोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बले कथा है तो भेदे बाबा ना बिहारे, कथा है तो भेदे बाबा ना बिहारे, कथा है स्वर्गलोक।
उसको पर मोह लो, उसको पर जन लो, उसको पर तप लो। जो ब्रह्म लोग है जगत में सबसे ऊंचाई को ब्रह्म लोग है। कहते महाशरी ब्रह्मा जी अगर पता चले भैया सनातन धर्म मंदिर में कथा हो रही है, कहते वो अकेले नहीं अपना पत्नी सारदे को लेकर के, बोले सारदे जल्दी जल्दी साड़ी पहन के प्रस्तुत रहना, ऐसे नहीं मैं घर से निकल गया अभी तक मैंने श्रृंगार नहीं की, इसलिए पहले सज धज करके रहना। और कैसे आते हैं कथा सुनने, बोले धाई धाई मतलब क्या, दौड़ दौड़ करके। बोलो दौड़ दौड़ करके क्यों कथा सुनने के लिए आते हैं, बोले कहा नहीं उनको पता है ये जो श्रीमद भागवत कथा ये साधारण वस्तु नहीं, बड़ी किस्मत वालों को ये कथा सुनने को मिलती है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से दौड़ दौड़ करके ये कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले ये ब्रह्म लोक की बात ही छोड़, कहते ब्रह्म लोक में तो कथा है नहीं, उसको ऊपर सीन लोग है जहां पर श्री भोले बाबा रहते हैं कैलाश लोक में। कहते भैया कैलाश लोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रितया जी को माही संभु गए कुंभ जल सताई। त्रितया जी में एक बार शंकर पार्वती को जब कथा सुनने को इच्छा होती है, एक समय उन्होंने कैलाश लोक से कथा सुनने के लिए आए, बोले कहाँ सुनने के लिए आए, बोले श्री कुंभ ऋषि मतलब अगस्त ऋषि, ये नर्मदा नदी का किनारा में इनके निवास है। जब शंकर पार्वती को कथा सुनने की, इसको थोड़ा कम कर दो, इसलिए शंकर पार्वती को जब कथा सुनने की इच्छा होती है, शंकर पार्वती ये कैलाश छोड़ करके यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दिया है, जानते हो क्या शिक्षा है, जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए वो अकेले नहीं आए, अपना पत्नियों को साथ में आते हैं। जब ब्रह्मा कथा सुनने के लिए आए वो अकेले नहीं आए, किसको साथ में आए, अपना ब्रह्माणी को साथ में। जब कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी आए वो भी कथा अकेले नहीं, किसको लेकर के आए, कहते श्री पार्वती को। इसको इको कम कर, आपको पता नहीं इको कौन सा, इसलिए जब श्री शंकर जी को कथा सुनने की इच्छा होती है, शंकर जी पार्वती को लेकर के कथा सुनने आते हैं। बोले भैया क्यों ये जुड़वा जुड़वा क्यों आ रहे, अकेले क्यों नहीं आ रहे, देखो इसकी राज समझो, देवियां आए ना देवता को भी लेकर के आनी चाहिए, और देवता लोग आए देवियों को लेकर के आए, देखो इसका क्या रहस्य है, क्यों दोनों दोनों कथा सुनने के लिए आते हैं। अगर पत्नी अगर कथा सुनने के लिए आएगी उसको ऊपर में जरूर ये रंग चढ़ेगा, किस चीज की रंग चढ़ेगी, भक्ति की, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मानव शरीर कितने दुर्लभ है, ये मानव शरीर नहीं कति ये कोहिनूर हीरे ठाकुर ने दिया है, 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी ये मानव शरीर एक बार देते हैं। जब उसको ये चीज पता चलेगा फिर वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति करना शुरू करेगा। इसलिए ये जीवन को बेसर में गमाने नहीं चाहिए, जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो सबके सब, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जब उसको पता चलेगा ये जीवन को उन्होंने नहीं गमाएगा, ये जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएगा। अगर अकेली अगर पत्नी आई कथा सुनी इसको ऊपर में ये रंग चढ़ गया फिर क्या होगा, समय मिलते ही गीता पढ़ेगी भागवत पढ़ेगी माला लेकर के भजन करेगी। अगर पति नहीं आए ना क्या बोलेगी, बोले किसकी चक्कर में पड़ गई, पहले तो बोलती थी सिनेमा में घुमाने ले चलो, हाँ अमुक जगह पर घुमाने ले चलो, अभी समय आते ही नहीं मंदिर चलो सत्संग चलो भागवत पढ़ो, अभी समय मिलते ही तुम भगवान की भक्ति की बात करते हो। अगर पति अकेले आए अगर इनको ऊपर का अगर रंग चढ़ा तो फिर पति क्या करेगा, समय मिलते ही प्रभु की भजन करेगा।
अगर पत्नी नहीं आए ना वो भी बोलेगी बोले क्या बात है काम काम कुछ है ही नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर माला लेकर बैठ जाते हो वो भी आपको ताना मारेगी। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे तो क्या होगा, भैया समय हो रहे चलो घर का काम खत्म करो चलो हम दोनों सत्संग में चलते हैं, समय पे इधर उधर बर्बाद मत करो, चलो हम बैठ करके हम गीता भागवत पढ़ते हैं गीता रामायण पढ़ते हैं, फिर दोनों मिल करके क्या करके भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं दो जाओ अकेले अकेले मत जाओ। देखो आपको एक सही घटना सुनाता हूँ। एक समय पर एक राजा था बड़ी सत्संगी राजा थे, रोज सत्संग सुनते थे। अभी जो सत्संग सुनेगा उसके ऊपर जरूर रंग चढ़ेगा, वो कभी भी ये जीवन को झूठा काम में कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता चलेगा मानव शरीर दुनिया गए। अभी राजा समय को बर्बाद नहीं करते हुए समय मिले तो गीता पढ़े भागवत पढ़े रामायण पढ़ना है और समय मिले तो माला लेकर के भजन करना है। रानी सत्संग में जाती नहीं, बोली ये क्या कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गए, पहले बोलते थे चलो सिनेमा थोड़ा तुमको दिखा करके ले आए थोड़ा घुमाने ले जाते हैं, अभी तक तो जब समय होता है गीता रामायण पढ़ने लग जाते हैं। अभी तो रानी बड़ी परेशान है, रानी ने देखा ये जो बाबा है ना मेरे पति को उसने बिगाड़ दिया, ये बाबा ने पति को बिगाड़ दिया, बोले हरी सभा में इसको मैं बदनाम करा दूंगी। रानी गुप्त रूप में एक वेश्या को बुलाया, बोले देख वेश्या तेरी मैं झोली भर दूंगी एक काम कर सकती हूँ, बोले बताओ। बोले जिस समय ये सत्संग होती है सबके सब जनता जब बैठे हुए होंगे तुम भरी सभा में इतनी सी बात केवल राजा को बोलना, बोले महाराज मैं उस संत को बोलना, बोले संत जी आपकी संपर्क से मेरे पेट में तो बच्चा आ गया है, बताओ अभी मैं बच्चे को क्या करूं, इतनी सी बात बता दें और कुछ नहीं। अभी वैसे आप पैसा के चक्कर में भरी सभा में आकर के संतों को ये बात बता दिया तो, लेकिन संत बड़े पहुंचे हुए संत थे लेकिन ये बात को सुनकर उन्होंने हजम कर लिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन वहां पर जितने सबके सब बैठे हुए थे लोग ये संत को ऊपर में बड़ी गंदी भावना आ गई, संत ऐसे है यहाँ पर प्रवचन करते और इतने वैश्या के साथ किसी की संबंध है, लेकिन राजा को पूर्ण विश्वास है संत के ऊपर, बोले ये कभी ऐसे कर ही नहीं सकते, ये तो 24 घंटा प्रभु की भक्ति करने वाले संत। राजा जब सत्संग से आए वैश्या को बुलाया और सामने उन्होंने तलवार रख लिया, बोले तो सही सही बताओ तुमने भरी सभा में क्यों ये संतों को अपमान किए, तुम सही सही बताओगे तब तुम्हारा सर उतार दूंगा। वो तो कांप उठी, बोले महाराज इसमें मेरी कोई दोष नहीं, ये दोष आपकी रानी की, ये रानी ने मेरे को पैसा के लोभ दिखा कर ये बात मेरे से बुलवाया, मेरी कोई दोष नहीं। इतने में राजा संतों के पास में गए माफी मांगे, बोले बाबा जी संत जी ऐसे ऐसे बात है, बोले देखो तुम्हारी रानी की भी इसमें कोई दोष नहीं, बोले दोष किसकी, बोले दोष आपकी है, बोले मेरी क्या दोष है, बोले तुम अकेले सत्संग में आते हो, तो सत्संग में अकेले आते हो, अगर तुम रानी को भी सत्संग में लाते ना, अभी तुम जैसे भक्ति करते हो रानी भी भक्ति करती, फिर दोनों मिल करके भक्ति करते तो बस बढ़िया से संसार चलता। इसलिए महाराज कल से जब घर सत्संग में आओ ना अकेले मत आओ, किसको लेकर जाओ रानी को, इसलिए रानी आए तो राजा को लाओ और राजा आए तो किनको लाओ, रानी को लेकर के आना। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले अकेले नहीं, कथा सुनने के लिए दोनों दोनों जाया करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कहते जो भागवत कथा है कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो कैलाश की बात छोड़ दो ब्रह्म लोगों की बात छोड़ दो लेकिन एक सामने आ जाकर, इसलिए जो भागवत कथा है कहते ये वैकुंठ नास्ते अमरसा, कहते ये वैकुंठ में भी भागवत कथा नहीं, बोले कहीं प्रमाण है तो गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, बोले गायो करोड़ जहां बस ए भूतों का
हरी कथा में भगवान निवास करते हैं।
इसलिए नारद जी जब भगवान से पूछे बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान स्वयं कहते हैं बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे स्वगीनां हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ रहना हूँ लेकिन वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु भाई आप कहाँ रहते हो, बोले केवल मैं एक जगह पर रहता हूँ मत भक्ता जत्र गायती, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं मेरे सत्संग करते हैं मैं केवल वहीं रहता हूँ। बोले श्रीमद भागवत कथा मृत की जयकार में नहीं लगा रहे, आज एकांत से बोल रहे हैं ना, इसलिए जयकार में नहीं कर रहा है ना, जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृत की। देखो हम लोग कितने सौभाग्यवादी है चीज को देखो, जो कथा सुन रहे हैं ना आप कितने सौभाग्यवादी की चीज को देखो। देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए उनको ब्रह्मलोक त्याग देना पड़ा, शंकर जी को कथा सुनने के लिए उन्होंने कैलाश त्याग दी, गरुड़ जी को हनुमान जी को कथा सुनने के लिए उन्होंने वैकुंठ लोक त्याग दिए, लेकिन हरिनगर के भक्तों को कथा सुनने के लिए आप लोग ने कुछ त्याग किया है बताओ, आप लोगों को कुछ त्याग करना पड़ा। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते वृंदावन से आपके घर की दरवाजा पर आ गई और हम अपना घर में बैठी बैठी करके कथा रूपी गंगा में हम यहीं पर स्नान कर लिया, मतलब है हम लोग बड़ी पुण्य आत्मा हो जो यहाँ बैठ करके ये भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन करते हो। इसलिए श्री सुखदेव श्री सुतो गोस्वामी एक बहुत बड़ी अच्छी बात करते हैं, बोले सर्वाणी तीर्थानी वसंती तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग, बोले जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा होती है बोले सर्वाणी तीर्थानी वसंती तत्रा, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनत्री रामेश्वर द्वारका पुरी, कहते वहीं पर सारे तीर्थ है। जो कथा में गंगा में स्नान कर लिया समझो बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में नहा लिए, बोले तीर्थ से नहाने से भी ज्यादा महत्व है। आप तीर्थ में नहाओगे तो केवल थोड़ी पाप खत्म और कुछ नहीं होगा, फिर घर में आकर दोबारा फिर पाप करना शुरू कर दोगे, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में अगर हम स्नान करेंगे पाप तो दूर होगा ही, ये पाप तो दूर हो ही जाएगा, कभी ये हृदय तक भी बदल जाएगा, ये हृदय में भी परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भले गंगा पापम ससीतापम दन्न कल्प तरु हरे पाप तापम तथा दन्नम हरे सत समागम, कहते गंगा क्या करती है बोले गंगा पापम, गंगा में स्नान करते ना भैया चलो गंगा में नहा कर आते, बोले क्यों पाप को धो कर जाते हैं, बोलते ना गंगा पापम, बोले ससी तापम, ससी मतलब होता है चंद्रमा, अब देखना दिन भर हम सूरज का किरण से गर्मी में एकदम तस्त हतस्त हो जाते हैं, लेकिन रात में जब चंद्रमा उदय हो रात को जो विश्राम करे जब फिर सवेर उठो ना एकदम शरीर में चुस्ती आ जाती है, शरीर में चुस्ती फिर आ जाती है, इसलिए बोले चंद्र तापम, ये चंद्रमा हमारे ताप को दूर करते हैं, और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष कहते हमारी दुख को हरण करती है, लेकिन ये जो तीन चीज है कहते हरेत सत समागम, कहते जो श्रीमद भागवत कथा तुम्हारी पाप को भी नष्ट करेगा तुम्हारी ताप को भी नष्ट करेगा और जीवन में जो दुख है ये इसको भी नष्ट करेगा, कौन बोले ये श्रीमद भागवत कथा, ये सारे चीज को नष्ट करने वाली ये श्रीमद भागवत कथा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होती है तभी ये भागवत कथा सुनने को हमें
प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, समझो ठाकुर जी के हमारे ऊपर में बड़ी कृपा है। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर अति हरि कृपा जगत में दुर्लभ क्या है, बोले शब्द संगति दुर्लभ संसार। शंकर जी कहते हैं पार्वती की जो सत्संग और भगवान की जो कथा है ना, ये जगत में पार्वती बड़ी दुर्लभ है। भैया कहते हैं दुर्लभ कहाँ है, दुर्लभ कहाँ है कि भागवत कथा देखो, हमारे रमेश चंद्र जी और राधा प्रिया दीदी, राधा प्रिया दीदी और हमारे रमेश प्रभु जी, देखो इन्होंने भागवत कथा रखवाया ना, और भागवत कथा रख करके उन्होंने घर घर में पंपलेट दिया, बैनर लगाया, गली गलियों में बैनर लगाया, सबको घर में जा जा करके निमंत्रण दिए, बोले भैया भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए आओ, हैं? फिर मंदिर की व्यवस्था करवाए, माइक लगवाए, इतना बढ़िया बढ़िया म्यूजिक की पार्टी बुलाए वृंदावन से, हैं? इन्होंने इतना सब कुछ किया है। इसलिए शंकर जी को पार्वती कहती है, प्रभु कह रहे हो सत्त संगति दुर्लभ संसारा, ये दुर्लभ का ये सुलभ है, संसार सुलभ हो रहा है। लेकिन शंकर जी कहते प्रभु पार्वती ये सब कुछ करेंगे, कहते आप तो यही शरण अति कठिनाई, यहाँ कोई नहीं आएगा, कथा में कोई नहीं आएगा, अगर किसको पता चलना सलमान खान आ रहा है और श्री अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी आ रहे हैं, तो ऐश्वर्या राय आ रहे हैं, अगर आपको यह पड़ोस को थोड़ी सी हीट पता लग जाए, पता हो मंदिर में खड़े होने की जगह मिलेगी, बोले मंदिर में खड़े होने की जगह मिलेगी, टिकट दे दे करके 100-100, 5000 रुपया टिकट दे करके देखने के लिए जाएंगे, हैं? अगर कोई हीरो हीरोइन भी आ जाए, शंकर जी कहते हैं पार्वती आप लोगों ने सुना ये कथा सुनने के लिए देवता भी आते हैं, ब्रह्म लोग से ब्रह्मा भी आते हैं, शंकर जी पार्वती को ये अमरनाथ अमर कथा सुनाया, इसको अमर कथा कहते हैं, यहाँ तक वैकुंठ छोड़ कर भी ये गरुड़ जी हनुमान जी भी आते हैं कथा सुनने के लिए, कथा की इतने दुर्लभता, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती बोले देवी तू चले जा, मैं अपना काम को निपटा करके ना आ जाऊंगा, बोले तू स्वयं निपट जाओ, बोले तुम्हारे काम कभी नहीं निपटेगा, अभी तक इसका काम किसी निपटाया क्या, अभी तो किसने काम निपटा पाया, स्वयं निपट जाओगे, तुम्हारा काम कभी नहीं निपटेगा। तब माता पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु मेरी कथा में आते हैं कौन, ये कथा में कौन आते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती अति हरि कृपा चाह करो, भगवान की दो तरह की कृपा है, एक डायरेक्ट कृपा और एक इनडायरेक्ट कृपा है। बोले पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की डायरेक्ट कृपा है, पूरा सीधा के सीधा कृपा है, शंकर जी कहते पार्वती पाप देख लिया संगत सुई, वही व्यक्ति ही कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाए,
जैसे आपका घर में कोई बच्चे का शादी हो रही है, नहीं तो शादी की साल घर बना रहे हो, शादी की साल बताओ आपके घर में कौन आएगा बताओ? आप जिसको निमंत्रण दो वही आएगा। आप दीवार के पास में 9 इंच दीवार के पास में एक व्यक्ति, लेकिन आप उसको नौता नहीं दोगे वो आएगा तुम्हारे घर में? नहीं आएगा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर में कोई एक व्यक्ति है, आप उसको निमंत्रण कार्ड दिया वो आएगा कि नहीं? तो वहां से आएगा। लेकिन दीवार के पास में एक व्यक्ति होगा, नहीं आएगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा में कोई आएगा, अभी तो बहुत हो गया ना, निमंत्रण की जरूरत नहीं, हेलो बोलकर निमंत्रण दे दो। हमारी शादी की सालगिरह है, बच्ची की बर्थडे है, बर्थडे है तभी आ जाएगा। इसलिए मानव कन्या ने यहाँ पर फोन किया है, जिन जिन को उन्होंने फोन किया है, नौता दिया ना, वही व्यक्ति ही यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। इसलिए हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब बंसी बट पर नीचे बंसुरी बजा रहे, भगवान कृष्ण जब बंसुरी बजाए, ब्रज में सारे ब्रजवासी थे, उनकी सखाएं माताएं सखियां थी, बहुत ब्रजवासी थे, लेकिन जब बंसी बट पर नीचे कृष्ण बंसुरी बजाए वहां पर सब नहीं आए। वहां पर कौन आ रहे हैं? कृष्ण जिसको बुला रहे थे, कृष्ण जिसको बुला रहे थे, वही व्यक्ति ही बंसी बट के रास में सम्मिलित हो गए। कहते उसी तरह ये भागवत कथा रूपी बंसुरी तो बजी, ये भागवत कथा रूपी बंसुरी तो बजी, लेकिन ये जो बंसी भरी है ना, देखो ये बंसी भरी दो तरह का है। कहते एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपी भूत मनोहर। कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं जो बंसी सबके सब सुन सकते हैं, जो बंसी भरी को सबके सब सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं जिसको गोपियों के सिवाय कोई बंसी ध्वनि सुन नहीं सकते, केवल गोपियां ही ये बंसी ध्वनि को वही सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भागवत कथा नहीं, ये भागवत कथा नहीं। मानो कृष्ण बंसुरी बजाए, कृष्ण ने बंसुरी बजाए, लेकिन ये जो बंसी ध्वनि है ना, जिन जिन गोपियों को कान में पड़ी वही गोपियां ही ये भागवत कथा में आए। जब भागवत कथा में आए गोपियां, जब रास में आए, भगवान क्या कहते हैं? बोले स्वागत में महाभागा। कहते भागवत में कृष्ण केवल 2 बार उन्होंने स्वागत शब्द प्रयोग किया। कितना बार प्रयोग किया? केवल भगवान 2 बार ही ये स्वागत शब्द प्रयोग किया। बोले किसको किसको स्वागत? बोले गोपियों को उन्होंने स्वागत किया। बोले क्यों? बोले घर के सारे काम रहते हुए भी तुम लोग जो सारे काम को पीछे करके जो ये रास में आए हो, इसलिए स्वागतम हे गोपिया, हम तुम्हें स्वागत करते, मैं तुमको स्वागत करता हूँ। और कृष्ण जब गया चराते चराते भादरवल में पहुंचे, जिस समय कृष्ण को सखाओं ने क्या कन्हैया बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते, कृष्ण ने कहा काम करो, ये पास में ये ब्राह्मण लोग सबके सब यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनको पास में हमारी नाम को लेकर उनसे भोजन मांग करके लाओ। लेकिन वो सुनते हुए भी अनसुना कर दिया, वापस आ गए। वापस आकर के बोले तुम बोले यहाँ पर बड़े बड़े ब्राह्मण द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी, यहाँ पर त्रिवेदी चतुर्वेदी किया, जो 4 वेद को पढ़े, 2 वेद को पढ़े, 3 वेद को पढ़े, उनको त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी कहते हैं। बोले तुमने कहा इतने इतने वेद को पढ़ने वाले और जाने पर मेरे नाम सुनने पर भोजन देंगे, लेकिन हम तुम्हारे नाम को लेकर के जोर जोर से बोले ये पास में कृष्ण बलराम आए हैं, भोजन मांग रहे हैं, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिए। बोले एक काम करो, उनकी जो पत्नियां हैं ना मेरी परम भक्त है, उनकी पत्नियां मेरी परम भक्त है, जा पत्नी को पास में जाओ। बोले कन्हैया तुम बोलता है क्या, जो इतने सारे शास्त्र को पढ़ने वाले और तेरे को समझे नहीं, और ये वो पत्नियां जो हर समय अपवित्र रहती हैं, जिनको जनेऊ संस्कार नहीं होती हैं, जिनकी वेद में अधिकार नहीं, और वो सब तेरे बात सुनकर खाना देंगे? देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले देखो ये जो भक्ति है ना किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इतने ज्ञान हो, इतने शास्त्र हो, इतने बुद्धि हो,
भक्ति किसको पर निर्भर करता नहीं है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं ना, सबसे ओचे कल प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे thank you.
कृष्ण को खिलाने के लिए, बोले घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देगी,
तेरे घर में तुमको घुसने नहीं देंगे, बोले तेरे घर में ही नहीं आएंगे हम तो कन्या के पास में जा करेंगे, तेरे घर भी हम नहीं आएंगे। लेकिन जब सारी बंधन को तोड़ करके आई कृष्ण, उनके लिए कहते स्वागतम महाभागा, हे भाग्यवती तुम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, स्वयं बांके बिहारी स्वागत करते हैं। मतलब क्या है, जो लोग आप कथा सुनने के लिए आए ना, घर में सभी का कुछ ना कुछ काम होगा, सबका घर में कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन आप लोगों ने सारे बंधन को तोड़ करके जो ये कथा में जो आते हैं भगवान उनको स्वागत करते हैं। तुम लोग बड़े भाग्यवती हो जो ये भागवत कथा सुनने के लिए तुम लोग आए हो। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तब यहाँ पर कहते हैं भैया आप जो कथा सुनेंगे साथ साथ दिन कथा सुनेंगे, लेकिन हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। तो भागवत में राधा रानी स्वयं कहती है, बोले भैया ये बिजनेस में ना, कोई बिजनेस में भले तो फेल हो सकते हो, लेकिन इसी बिजनेस में कथा में हम तो कोई फेल नहीं हुए, सबके सब सक्सेसफुल हुए, सबके सब। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़ा तसवायो आयो राम रतन धन पायो, कहते भगवान की भक्ति में अभी तो कोई भी फेल नहीं हुआ, सबके सब सक्सेसफुल हुए। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती है अगर ये भागवत कथा सुनोगे ना तुमको आठ फायदा होगा। कितना फायदा होगा? आठ। आज मैं सुनाऊंगा लेकिन कल आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है? ऐसे कथा सुनो, कथा छोड़ कर नहीं जाना, यहाँ कथा ले करके घर में जाना, जाकर के बच्चों को भी कथा सुनाना, पति को भी सुनाना, घर में भी सुनाओगे, जिसको सुनाओगे उनका भी कल्याण है। इसलिए भागवत में बताए तीन गंगा है, एक गंगा रहती है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, जो स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है। ये मर्त्य जगत में एक गंगा है जिसका नाम भागीरथी, ये मर्त्य जगत की कल्याण करती है। एक गंगा रहती है पाताल में जिसका नाम भोगवती, वो पाताल लोगों को कल्याण करती है। कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। कितने लोगों को? जोर से बोलो, तीन लोगों को। बोले किसको किसको? बोले जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो प्रश्न करते हैं। ये तीनों लोगों को कृष्ण कथा, ये तीनों लोगों को पवित्र करती है। आप लोग सुन रहे हो, आपका तो कल्याण है ही है, घर में जाकर के सुनाओगे उनका भी कल्याण होगा। ऐसे सुना जैसे कुछ याद रख कर भी जाए और अपना घर में सुना। आज मैं बोलूंगा, मैं कल पूछूंगा आप लोगों ने किया सुने हो, जो दो चार फायदा बोल देगा ना मैं कल उसको इनाम दूंगा, ठीक है? मन दे करके सुनना। ये राधा रानी स्वयं कहती है बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवनम ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर मिल नहीं रहे हैं। गोपियों ने कहा देखो
कृष्ण को भजन सबसे ज्यादा प्यारा है, उनका भजन सबसे ज्यादा उनको प्यारा है। कहीं भी भजन बोलो ना, वो जरूर आते। चलो हम जमुना किनारे में बैठ कर उसका कीर्तन करेंगे। जब वो कीर्तन कर रही थी, ये राधा रानी कह रही है कृष्ण कथा में क्या लाभ है, इसलिए कह रही है, हे श्याम सुंदर, ये तुम्हारी कथा नहीं, तब कथा अमृत। ये कथा को जो पान करेगा वो अमृत को प्राप्त करेगा, कथा नहीं ये अमृत है। तब एक नीति शास्त्र में बताया जो अमृत, ये चार जगह में मरते जगत में अमृत है। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले अब थो विधो बधो मुखे महीना निवास। बोले पहला अमृत ये समुद्र में, हम सुनेंगे आगे देवता दैत्य मिलकर के जब समुद्र मंथन की, समुद्र से अमृत निकली जिसको देवता लोगों ने पान किए। बोले पहला अमृत स्वर्ग में, लेकिन वैष्णव लोग संत लोग कहते हैं बोले भैया समुद्र में भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले अगर वहां पर अमृत होता तो समुद्र का पानी आप लोगों ने देखा है, बताओ तो मीठा ना नमकीन है? खारा है। बोले समुद्र का पानी तो फिर मीठा होता, फिर वो खारी खारी की, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। बोले दूसरी अमृत, बोले ये चंद्रमा में, आप देखना दिन भर आप परेशान हो जाते हैं, सवेरे उठो सो करके फिर चुस्ती कहां से आती? चंद्रमा से। सारे जीवनी शक्ति, सारे मेडिसिन में जितनी शक्ति चंद्रमा से आती है। बोले चंद्रमा में अमृत, लेकिन इस संत लोग कहते वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले खाया। पूर्णिमा में देखो पूर्ण चंद्र, लेकिन प्रथमा द्वितीया होता तो अमावस्या पूरा करा। बोले भैया अगर वहां अमृत होता खाया क्यों होता? पूरा की पूरा पूर्णिमा को चंद्रमा जैसे पूर्ण ही रहता, इसलिए वहां अमृत नहीं। बोले तीसरी अमृत कहां? बोले माताओं की अधरा अमृत में ही अमृत बताया, जिसको पति लोग पान करते हैं, लेकिन नीति शास्त्र कहता है हमारे वैष्णव कहते हैं वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले पति हता, ये पति मरता है कि जिंदा ही पूरा पूरा रहता, पत्नी से पहले पति का ही राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। बोले चौथा अमृत कहां? बोले फाई नाम निवास, जहां पर सर्प निवास करता है कहते वहां पर भी अमृत। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले गौरा त्रासा, ये गौरव का आहार सर्प है, उसको खा जाता है। बोले फिर वहां अमृत नहीं। बोले पंचमा अमृत कहां पर? बोले स्वर्ग में, जिसको देवता लोग पान करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं खिन्न पुण्यम मर्त लोगों में, उनकी पुण्य समाप्त होते फिर किसी मर्त्य जगत में आना पड़ता, अमृत अमृत कहीं नहीं। बोले भैया आप तो सब जगह में मना कर दिया अमृत नहीं नहीं, फिर अमृत कहां पर? एक जगह केवल एक ही जगह में अमृत है। बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनाना, फिर जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनकी कंठ में ही अमृत, मतलब कृष्ण कथा में ही अमृत है। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती बोले श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ना वो अमृत है। जिस कथा को श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले, बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ध्यान ज्ञान कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठो केवल भागवत कथा सुनो। जब तक ये कथा श्रवण करते करते तुम्हारी अंदर में ये अनुभूति नहीं हो जाए मैंने जन्म मृत्यु का चक्कर से जिल काल के लिए मुक्त हो गया, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज कथा सुने तो सीधा गोलोक वृंदावन से विमान आया, आगे भी हम सुनेंगे सब कथा। इसलिए उन्होंने एक गोपी मुर्गी धारण करते हुए भगवत नाम करते करते सारे लोगों को पार करते करते उन्होंने गोलोक वृंदावन श्री राधा रानी की चरण को उन्होंने प्राप्त की। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत की जय। जय कोई हे बोल रहे जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत की। भैया पता लगनी चाहिए हरि नगर में हरि कथा हो रही है, ये नगर का नाम क्या है? हरि नगर है ना, तो हरि नगर में हरि कथा नहीं हुई तो कहाँ होगी? इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में हरि नगर में कथा की। हाँ वो पता नहीं पर कौन सा मंदिर याद है, हाँ इसलिए गुरुदेव सबसे पहले हरिनगर से ही उन्होंने कथा प्रारंभ की हमारे बड़े गुरु जी। फिर धीरे धीरे जनकपुरी में हमारी मंदिर बनी, फिर तो सारे भक्त लोग जुड़े हैं। इसलिए हरिनगर के लोग जो है भक्त लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि उसका नाम ही श्री हरि की नगर इसका नाम है।
इसलिए कहते कथा सुनने का जो पहला लाभ क्या है, बोले तब कथा अमृतम, जो कथा सुनेगा वो कभी मरेगा नहीं। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा, क्या नाम इसका नाम, इसलिए ये शंकर जी पार्वती को ये अमरनाथ में ही अमर कथा सुनाई। अमरनाथ कोई गए हो, कौन कौन गए हाथ उठा, एक दो तीन चार और कौन गए, ये हाथ नहीं उठा। इसलिए हाँ देखो वहां अभी भी वो स्थान है शंकर जी जहाँ पर माता पार्वती को बैठा कर कथा सुनाई थी, अभी भी वो स्थान अमरनाथ में। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुनाए थे, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा है। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं, एक दिन पार्वती पूछे प्रभु आप ये अमरत्व को कैसे प्राप्त की हो, बोले ये भागवत कथा सुन करके। पार्वती स्वयं कहती बोले प्रभु आप तो अमर बन गए और मैं मरती जा रही हूँ, मैं मरती जा रही हूँ। सती रूप में आई पार्वती, वो भी शरीर त्याग दी। बोले शंकर जी को पूछा आपको गले में जो मुंडन की माला किसकी, बोले तुम्हारी तुम्हारी। बोले आपको गले में मेरे मुंड की माला कैसे आई, बोले पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात याद नहीं, तुमने एक बार नहीं कितना बार तुमने शरीर त्याग दी। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तेरी मुंडों को मैंने गले में माला रूप में धारण कर लेती हूँ। पार्वती बोली प्रभु मैं तो सोच रही थी आप भोले बाबा हो, लेकिन अभी पता चला आप कपटी बाबा हो। बोले क्यों, बोले ऐसे कौन सा आपने दवा पान किए हो, अमर बोटियों को पान किया जो आप अमर हो गए, मैं मरती जा रही हूँ। शंकर जी बोले पार्वती ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को जब से मैंने पान की तब से अमरत्व प्राप्त की। बोले प्रभु मुझे भी सुना दो, आप भी अमर बनोगे मैं भी अमर बनोगे, दोनों आनंद पूर्वक रहेंगे। अब मैं मरती जा रही हूँ आप मर भी रहे हो, बोले चलो तेरे को मैं अमरनाथ में लेकर की कथा सुनाऊंगा। जब से शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुनाए तब से माता पार्वती अमरत्व प्राप्त की। ये चीज समझो, शंकर जी स्वयं कहते हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम जो जगदम्बा जगत जननी पार्वती कथी, केवल ये भागवत कथा से ही ये अमरत्व की प्राप्त की और जगत में इनकी तब भी इतने पूजा हो रही है। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना अमर कथा को हम भी अमरत्व को हम प्राप्त करेंगे। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री अमर कथा की। इसलिए कथा सुनने का पहला फायदा क्या है, जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। ये पहला याद कर रहे कि नहीं, कल मैं पूछूंगा देखूंगा इसका कौन इसको बोल सकता है कथा की आठ फायदा क्या है। ठीक है, पहला नंबर क्या हो गया अमरत्व बनोगे, दूसरा लाभ क्या है तप्त जीवन। संसार में हम सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई परिवार से दुखी दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी 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 संसार में। इसलिए कहते ना कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी, सुखी कौन है, राम की दास है, भगवान की दास ही एक है, एक सुखी और जगत में सबके सब दुखी है। इसलिए कहते कथा सुनने का जो दूसरा लाभ है, कहते जितने दुख तुम्हारी समाप्त हो जाए, जीवन में कोई दुख कष्ट तुम्हारी नहीं रहेगी। हैं देखो ये चीज को अभी अनुभूति कर लो, अनुभूति करो। हम संसार में तरह तरह से दुखी है, लेकिन देखे ना यहाँ दो तीन घंटा बैठोगे ना संसार का, आपको कोई दुख याद है, आपको बताओ। हम सब दुखी है संसार से, लेकिन जब से कथा में बैठे हो कोई दुख याद आ रही है, नहीं याद आ रही है। केवल ये कथा के पैंडल से बाहर निकलो, सारे दुख पर्वत जैसे आकर के सर पर रहेगा। घर में जाने पर ये दिक्कत है, घर में ये दिक्कत है, घर में ये दिक्कत है, घर में ये दिक्कत। लेकिन जब तक कथा में बैठो ना, कहते कथा में नहीं बांके बिहारी की गोद में बैठे हो, जो कथा सुन रहे हैं कथा में नहीं, कहते ठाकुर जी की हम गोद में बैठे हो। इसलिए राधा रानी कहती जो कथा सुनेगी तप्त जीवनम, ये जीवन का जो उत्तप्त जो जीवन जो दुखमय जीवन है सारे शांत हो जाएगी तुम्हारे जीवन। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कलमसा अपा। कलमसा मतलब होता है पाप। ये जितने दुख कष्ट का एक कारण है हमारी प्रारब्ध,
हमने पूर्व पूर्व जन्म में जो कुछ कर्तव्य है उसका फल हम भोगत रहे हैं, लेकिन कथा सुनोगे तो तुम्हारी सारी प्रारब्ध नष्ट हो जाएगी। अजामिल जैसे व्यक्ति, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति पहले वो दस रत्ना करता, जब नारद से मिले बोले बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए बोले उल्टा नाम चपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन माही। इसलिए भगवान की भक्ति कथा और नाम में इतने शक्ति, जितने हमारी प्रारब्ध है, जितने पाप है, कद भगवत कथा तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाए। कितना लाभ हो गया? कितना वक्त दीन है। बोले जो चौथा लाभ है, बोले श्रवण मंगल, जो कथा सुनेगा कितना मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हरि भगवान की कथा, जो भगवत कथा सुनेगा जीवन में उसकी मंगल मंगलमय होगा। देखो आपको रामायण की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ये कथा सुनने का कितने महत्व है, सब कथा याद करके कल मेरे को बोल रहे, ठीक है? ये वाल्मीकि जी रामायण लिखने से पहले ये वाल्मीकि बोल रहे, बड़ी अच्छी कथा सुन लो। अनजान में भी आकर के बैठ गए, कथा में कथा कुछ पता ही नहीं, लेकिन अनजान में कैसे भूल में आकर के ये कथा में कैसे भूल में बैठ गए, इसकी महत्व कितना सुन। इसलिए बोले एक समय इसी मरते जगत में एक राजा थे, राजा का नाम सुमति, पत्नी का नाम थे सत्यवती। अब ये दोनों एक ऋषि थे, विभांड नाम का ऋषि, एक दिन राज दरबार में पहुंचे और उन्होंने देखा देश का राजा और रानी है, लेकिन होते हुए भी घर में श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की दरबार है, और दोनों राजा रानी अपना हाथों से ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी की श्रृंगार करना, ठाकुर जी को स्नान करना, अपना हाथों से मंदिर मार्जन करना, और दोनों राजा रानी बैठ करके अगर समय मिले राजा स्वयं बैठ करके रामायण बोलता है, रानी सामने बैठ करके हाथ छोड़कर कथा सुनती है। अगर थोड़ी सी ज्यादा समय मिले तो राजा रानी ऐसी माला की झोली लेकर के दोनों बैठ जाते हैं, बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा पति पावन रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। राजा रानी बैठ करके भगवान की माला जप करते हैं, वो ऋषि देव करके बड़ा आश्चर्य लगा। अगर देश में हम राजा हो, अगर भले ही एक मंत्री को स्थापन कर दिए, राजा रानी सेवा करेंगे, वो नौकर रख लेंगे, बोले स्वयं वस्त्र लेके वो नौकर रख लेंगे, लेकिन राजा रानी होते हुए भी अष्टजाम बड़ी भक्ति भावना से सारे सेवा करते हैं। राजा ऋषि को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले महाराज जी आपकी मति भगवान की भक्ति में कैसे हो गई, आप देश का राजा रानी हो करके इतने प्रभु की भक्ति में कैसे आप मस्त कैसे हो? तो उन्होंने कहा देखो बाबा, नियम है अपना भजन की बात सबको नहीं बोलनी चाहिए, अगर आपको भक्ति में कोई स्वप्न देखे भगवान की कभी कभी सबको मत कहा तो हमने ये देखा नहीं, अगर कोई नास्तिक व्यक्ति हो जिसकी भावना नहीं हो अगर बोल गया ना हृदय से खत्म हो जाएगी। हाँ ऐसे संतों को बोलो
जो तुम्हारी भावना को समझती है, जो तुम्हें आगे की बात बताएगी, जिसको जिसको बोल दो ना अरे सर बेकार बात है, बहुत भगवान भगवान देखा, तुम्हारी आज्ञा में जो थोड़ी बहुत अद्भुत होगी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये बात को सभी को नहीं बोलनी चाहिए, ये बात को इतने में बोले आप तो संत हो, संतों को पास में कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, भक्ति की हृदय खोल करके संतों को बोल देनी चाहिए। बोले देखो मैं एक जाति स्वर हूँ, जाति स्वर का मतलब होता है मेरे पूर्व जन्म की मेरी बात याद है। बोले पूर्व जन्म की, बोले मेरे को चार जन्म की बात मेरी याद, बोले चार चार जन्म की, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले सुनो आप लोग भी सुने कथा को, बोले चार जन्म से पहले मैं एक शूद्र था, महाबदमाश दुष्ट था, ऐसे कोई पाप कर्म मैंने नहीं की, मेरे परिवार लोग मेरे को घर से निकाल दिए, मेरी जो पत्नी को देख रहे हो ये एक शूद्राणी थी, इसने भी अपना पति को हत्या कर दी, इसकी परिवार भी घर से उसको निकाल दी, हम दोनों घूमते घूमते जंगल में दोनों जब मिले देखा अकेला जीवन बीत नहीं रहा है, दोनों इकट्ठे रहने लगे, जानवर को मार करके मांस खा करके जीविका निर्वाह करते थे, लेकिन जब दोनों ही वृद्ध हो गए हमसे आहार संग्रह नहीं हो पा रहा है, बड़ी कष्ट से हम जीवन बिता रहे थे, लेकिन हम जहाँ पर रहते थे उसको पास में से वशिष्ठ जी का आश्रम था। एक दिन हमने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित हुए, हमने कहा भैया क्या बात है आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित करके, हम वहां पर गए देखा वहां पर से रामायण कथा होगी और वो राम कथा 9 दिन तक होगी, जो व्यक्ति कथा सुनने आएंगे कथा के बाद में फलाहार की व्यवस्था प्रसाद की व्यवस्था। हमने देखा भैया 9 दिन तक तो खाने पीने का कोई जीता ही नहीं, केवल आओ और कथा में बैठो, उसको बाद में खाना भी प्रसाद में मिलेगा। केवल हम प्रसाद के लोभ से जाते थे, देखते थे कथा की विश्राम कब और प्रसाद कब मिलेगा। हमने ऐसे 9 दिन तक कथा सुनी और भगवान का प्रसाद सेवन की। मृत्यु के बाद में जमदूत हमें पकड़ करके जमपुरी ले गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसके काफी खोलो कितने पाप और पुण्य, उन्होंने बोले महाराज जी ये तो दोनों ही बड़ा बदमाश ही होते हैं, ऐसे कोई पाप नहीं ये दोनों नहीं किए। बोले भैया थोड़ी बहुत पुण्य भी तो होगा। बोले काफी खोलते खोलते जब मेरे पुण्यों को देखा, 9 दिन तक हमने प्रभु की कथा सुने और कथा के बाद में भगवान के प्रसाद पाए, इतना सुनते ही हमारे जितने पाप हमने काट दिए, सारे पाप को सामने काट दिए और काट करके हमको रमा वैकुंठ में हमें भेजा। वहां पर एक दो वैकुंठ है, एक वैकुंठ ये ब्रह्मांड के अंदर में और एक वैकुंठ ये ब्रह्मांड से बाहर है, हैं? जहां जाने पर दो बार जीव यहाँ आते नहीं, लेकिन ये मध्य जगत में एक भी वैकुंठ है जिसका नाम रमा वैकुंठ कहते हैं। हमने 100 साल तक वहां पर इतने ऐश्वर्य भोग किया आपको हम वर्णना नहीं कर सकते। उसको बाद में फिर हम आज ब्रह्म लोक में, वहां भी 100 साल तक ब्रह्मा पद में रहे, वहां भी सारे ऐश्वर्य को भोग की। उसको बाद में फिर स्वर्ग लोक में आए, इंद्र इंद्राणी दोनों बन करके इतने भोग किया आपको हम वर्णना नहीं कर सकते। फिर 100 साल के लिए व्रत करा जा रहे हैं, आप तो हमारे ठाड़ पर देख रहे हो, हमको ये 4 जन्म की बात याद है क्योंकि हमने अनजान में कहीं प्रभु की कथा सुन ली, अगर प्रभु की प्रसाद पाने पर तिन्ने महिमा हो, इसलिए हम दोनों पति पत्नी इस समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम दोनों ठाकुर की कथा सुनते हैं, नाम करते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये कथा की आप यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, जब ऊपर जाओगे ना काफी मिलेगा तो मिलेगा सनातन धर्म में बैठ करके मंदिर, लेकिन ये दुनिया के लिए जो कर रहे हो सब जीरो मिलेगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सबके सब जीरो मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम के अंक है सब साधन की सुना, अंक कहे कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुना। गोस्वामी जी कहते हैं देखो मेरी तरफ में देखो, जैसे एक रख करके एक जीरो दिया कितना होगा बताओ तो, कितना होगा 10 था एक, लेकिन एक जीरो से 10 हो गया 10 और एक जीरो तो कितना होगा 100, पहले कितना था 10, पहले था 10, अब एक जीरो दिया तो 10 झट 100 हो गया और एक जीरो तो कितना होगा 1000, पहले था 100, देखो एक जीरो जीरो दो तो 10 गुना बढ़ रहा है, अभी एक को हटा दो, एक जीरो दो कितना होगा 1, 0, 2 कितना होगा 0, 0 ही है उसका कोई वैल्यू नहीं,
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये पुआर क्या है, बोले भगवान की भक्ति, बोले ये जीरो किया, बोले संसार, जीरो संसार है। इसलिए देखना मरते समय क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना, बोले प्रभु की भजन के सिवाय जो कुछ किया झूठे में बिताया है। यहाँ से सुई धागा भी साथ नहीं जा रही, जितने भजन किया ना बोले वही जा रहे हैं और सब यही छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति ये जीरो किया है संसार, ये उवाद किया बोले भगवान की भक्ति। लेकिन अगर जीरो को अगर कुआन से जोड़ दो ना फिर दस दस मिनट, मतलब अगर ये संसार को अगर हम प्रभु की भक्ति में जोड़ देते हैं फिर तो दस दस मिनट। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति केवल छोड़ दिए, केवल पैसा कमाओ खाओ और मर जाओ, बोले भैया जीरो ही जीरो, ठीक है ना। इसलिए भगवान की जो कथा और जो भक्ति है आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इसकी कितने महिमा, इसकी कितने। इसलिए गोपियां कहती है श्रवण मंगलम, इसलिए जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं उसका जीवन में मंगल मंगलमय, उनका जीवन में कितना लाभ सुने होगा, कितना हो गया, हाँ भैया लोग गिन रहे हैं। और जब पंचवा लाभ बताए बोले श्री, श्री मतलब होता है संपत्ति। जो कथा सुनेंगे ना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ रहती है, नारायण के चरण में रहती है। जो कथा सुनेगा पाप खत्म होगा, पाप खत्म होने में माँ लक्ष्मी की तो बड़ी कृपा होगी, माँ लक्ष्मी घर में पैसा भी खूब आएगी। और पंचवा लाभ श्री मतलब होता है शोभा, आप महिमा जगत में कथा सुनोगे सारा दुनिया में तुम्हारी महिमा जगह। क्यों करके की कथा सुन रहे हैं, सुखो सोमनाथ कथा क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने भगवान की कथा सुने। और ता मतलब खंडन, जो व्यक्ति कथा सुनेगी संसार का सारे बंधन खत्म हो जाएगी, तुम्हारी संसार के सारे बंधन खत्म हो जाएगी। और भूरी दा जना, कभी जगत में बहुत बड़ा बड़ा तान है, कोई स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन राधा रानी कहती है श्याम सुंदर जगत में सबसे बड़ा दान है ये भागवत कथा को जो दान देते हैं, ये हरि कथा को जो दान देते हैं, उनसे बड़ा दान जगत में कोई नहीं। इसलिए हमारे श्री राधा प्रिया दीदी, श्री रमेश प्रभु जी, ये जो श्रीमद भागवत कथा रखे, समझो जितने व्यक्तियों को इसकी लाभ होगी इनका पुण्य इन्हें मिलेगी, इनकी पुण्य इन्हें मिलेगी। इसलिए ये बड़े सौभाग्यवान है जो कथा को उन्होंने सनातन मंदिर में रखवाए और सबके कथा सुना रहे, ठीक है। प्लस श्रीमद भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो कथा कितने बजे पे कथा होती माता जी, कितने बजे पे कथा होती, देखो आज से तो 4 बजे से कथा को रखे, क्योंकि कल से यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन कल से कितने बजे तक, 3 बजे से, कल से हम 3 बजे से और 6 बजे के अंदर में कथा को हम विश्वास कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 6 बजे हमारे मंदिर की आरती, ये 6 बजे मंदिर की आरती होगी, इसलिए आरती से पहले हम कोशिश करेंगे कथा को जैसे विश्राम हो जाए, लेकिन आप लोग जरूर 3 बजे आ जाना, ठीक है ना। और जब कल आओ ना अकेले अकेले नहीं, देवियां आई तो देवता को साथ में, अरे देवता आए तो देवियों को साथ में, दोनों दोनों को लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों भक्ति करोगे तो दोनों की भक्ति बढ़ेगी और दोनों को ही एक साथ में दोनों दोनों चलेगी, ठीक है ना। इसलिए देवादेवी सब मिलकर कल कथा सुनने के लिए आना और कल एकदम 3 बजे आ जाना, फिर हम कोशिश करेंगे 6 बजे कथा को हम विश्राम कर देंगे और 10 मिनट अवश्य लेंगे, ठीक है। और 10 मिनट फटाफट हम कथा को विश्राम दे देते हैं। भागवत में 2 पुराण की कथा, 2 पुराण में भागवत की महिमा आती है, एक पद्म पुराण में और एक कथा आती है ये स्कंद पुराण में कथा आती है। जो पद्म पुराण की जो कथा आती है आप लोग सबके सब सुने होंगे, जिसमें गोकर्ण धुंधुकर की कथा आती है, जिसमें ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। इसलिए नारद जब वृंदावन में आए देखा कैसे एक युवती बैठी हुई और उनको 2 बेटे ज्ञान वैराग्य के अचेत होकर पड़े हुए हैं, और नारद जी जिनके कान में वेद पुराण उपनिषद सब एक ही करके सुनाए, लेकिन उनको चेतनता नहीं भाई। लेकिन जब चतुष्ण से मिले बल ये श्रीमद भागवत कथा सुनाओ, ये भागवत कथा से ही
ये ज्ञान वैराग्य चेतनता ये भागवत कथा से आई है। इसलिए जब उन्होंने भागवत कथा सुनाए, देखो ये ज्ञान वैराग्य बड़े सुस्त है, ये ज्ञान वैराग्य बड़े सुस्त है, लेकिन जब ये भागवत कथा सुनाए ना, ये ज्ञान वैराग्य इतने रसमय हो गए, इतने रस भरी भर गई, ज्ञान वैराग्य वहां नाच उठे। इसका मतलब है अगर भागवत कथा सुनोगे ना, हमारे हृदय में जो ज्ञान और वैराग्य है वो भक्ति रस में भरपूर हो जाएगी। और भक्ति की दो बेटे हैं कौन कौन बताओ तो, ज्ञान और वैराग्य। तक इतनी सी बात को समझ लो, भक्ति के दो बेटे कौन है? हाँ, देखो इतनी सी बात अच्छे तरह समझो, भक्ति की ये दो बेटे कैसे हैं? लेकिन हमारा शास्त्र कहता है ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते, भगवान कैसे मिलते? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम में बसे तो किस चीज में नहीं। पर यहाँ पर ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे कैसे हैं? बोले यहाँ पर जो ज्ञान है, ज्ञान दो तरह का है, एक ब्रह्म ज्ञान और एक भक्ति युक्त ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब होता है जो जीव लास्ट में अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना चाहते हैं, हाँ ये ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाना चाहते हैं, ये ज्ञान। बोले ये ज्ञान से भक्ति नहीं, लेकिन अभी जैसे कथा सुन रहे हैं अभी तक ज्ञान है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना ये भक्ति को पुष्ट करने वाले, भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान है। इसलिए ये जो ज्ञान है ये भक्ति युक्त ज्ञान है। बोले वैराग्य, बोले भगवान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर जो वैराग्य, वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक अनुराग, विशेष करके ठाकुर जी के चरण में जो प्रेम है यही वैराग्य को द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए वैराग्य पांच तरह का बताया, कितने तरह का? एक है मर्कट वैराग्य, मर्कट वैराग्य मतलब बदर देखे हो, नंगे रहते हैं, घर नहीं, फल मूल खाते हैं, लेकिन बड़ा कामी है, मतलब ऐसे नहीं। दूसरा फल्गु, एक नदी है ऊपर से देखो रहती रहती, लेकिन पानी थोड़ा हटाओ अंदर में पानी बहती है, थोड़ा रहती हटाओ पानी बहती है, मतलब भैया ये सूखा वैराग्य नहीं चाहिए। तीसरा प्रसव, प्रसव मतलब माताएं जो बच्चे को जन्म देती हैं बड़ा कष्ट उठाती, मतलब और संतान नहीं इतने कष्ट, लेकिन कुछ दिन बाद में बच्चे का मुंह देखकर फिर भूल जाते, इसको प्रसव वैराग्य कहते हैं। और जो चौथा वैराग्य बताए कहते ये फल्गु वैराग्य, मर्कट वैराग्य, श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य मतलब जब कोई व्यक्ति को जलाने के लिए ले जाओ, देखना जब उसको सर को फोड़ फोड़ करके मार जलाते हैं, हाँ चिता को ऊपर में कहते भैया जगत में कुछ ही नहीं, राम नाम सत्य करते करते ले गए, कुछ तो लिया ही नहीं, धन दौलत यही रह गया, सचमुच जगत में कुछ भी नहीं। अभी तो घर में जाकर दिन रात माला लेकर बैठे भजन करना, लेकिन घर में आते ही पत्नी की मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी बोली सुने, बच्चे का तोतली तोतली बोली सुने करना, फिर वैराग्य वैराग्य खत्म। इसको कहते श्मशान वैराग्य। बोले नहीं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं चुप्त वैराग्य। कौन सा वैराग्य? चुप्त। चुप्त वैराग्य मतलब ये शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत ठाकुर का प्रसाद मांग कर लो, जो कुछ लोग खाना पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, ठाकुर जी को भोग लग गया इसलिए प्रसाद सेवा, कोई वस्त्र पहनो ठाकुर जी की चरण में छुला करके, ठाकुर जी की प्रसाद वस्त्र है। अपना घर को साफ करते हो, क्यों? ये भगवान की दरबार, ठाकुर जी की मंदिर है। बच्चों को प्यार देते हो, बच्चे किसके हैं? ठाकुर जी के बच्चे, इसलिए हम प्यार देते हैं, ये बड़े बन करके ठाकुर जी की भक्ति करेगा। स्नान कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, बोले क्यों? बोले ये गंदे शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे कर सकते, ठाकुर जी की हम भक्ति कैसे कर सकते, इसलिए शरीर को पवित्र बनाने का जरूरत है, शरीर को पवित्र। इसलिए जो कुछ करो भगवान से जोड़ करके, भगवान को साथ में जोड़ करके सारे काम करनी चाहिए, फिर तो अंक रहे दस गुण, फिर तो क्या होगा, ये दस गुण दस गुण दस गुण जब बैठते जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये चुप्त वैराग्य की जरूरत है। इसलिए भगवत कथा के द्वारा क्या होता है, बोले ज्ञान और जो वैराग्य, जो दोनों भगवत भक्ति भगवत कथा में इतने रस है, ये दो के दो नाच उठे हैं। और दूसरी कथा आती है जिस समय कथा के द्वारा गोलोक वृंदावन से स्वयं राधा कृष्ण परिकर को साथ में उतर करके आ गए दोनों, इतने में जितने वहां कथा सुन रहे थे सब के साथ विमान में बैठ करके भगवत लोक को गमन किया। इतने में नारद जी प्रश्न करते हैं अगर कोई प्रेत योनि में अगर पड़ा हुआ हो क्या उसको उद्धार होएगी? फिर उन्हें गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाई। अब जानते होंगे धुंधुकारी
कितना दुष्ट था, पिता माता को इतने पीटा, इतने मारा पिता माता को, पिता तो घर में छोड़कर चले गए, मैया को इतने कष्ट पहुंची, इतने कष्ट मैया कुएं में छलांग लगा कर प्राण त्याग की, उसने छह छह बेस्या को घर में लेकर के लाए, छह छह बेस्या, हमारे भी छह छह बेस्या हमारे पास में, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा सब बेस्या ये है, इसलिए कृष्ण भक्ति छोड़ करके वाणी अगर दूसरी बात कहता है ये बेस्या है, कृष्ण कथा सुनकर कान अगर दूसरी कथा सुनती है ये बेस्या है, अगर कृष्ण को छोड़कर ये आत्मा में कोई दूसरे चीज सुनते हो बेस्या है, हैं? इसलिए हमारे पास में भी छह छह बेस्या मौजूद है, इसलिए उन्होंने क्या किया, छह छह बेस्या ने बड़े बुरी तरह से उसको बड़ी बुरी तरह से मारे और गड्ढा खोद करके चली गई, वो बन गया प्रेतात्मा, प्रेतात्मा बना। जब गोकर्ण घर में आया देखा प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले भैया तेरे नाम पर गया मैं, मैंने पिंड देख करके आया, तेरे को मुक्ति नहीं हुई, बोले भैया मैंने इतने पाप किए, एक बार की मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति होने वाले नहीं। भैरव ने सूर्य देवता को प्रश्न की तो बोले केवल ये भागवत कथा से मुक्ति हो, केवल ये भागवत कथा से मुक्ति, मतलब है ये भागवत कथा की इतने महत्व है, मरने के बाद गया में पिंड देते हैं ना, मरने के बाद गया में पिंड देते हैं, बोले एक बार नहीं मेरे नाम में अगर 100 बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी, मतलब इतने बड़ा पापी हो था, इतने बड़ा उसने पापी था जिसकी किसी तरह से उद्धार होने का नहीं, लेकिन ये पापी को उद्धार हुआ तो कैसे हुआ, केवल ये भागवत कथा से हुआ। इसका तात्पर्य है अगर हम किसी तरह से, केवल किसी तरह से आओ और किसी तरह से आप सात्विनी कथा में बैठ जाओ, सात्विनी केवल कथा में बैठ जाओगे, आप देखोगे ना आप एक रूप तो लेकर के आए हो, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे ना ये रूप आपके नहीं रहेगा, आप भक्त रूप लेकर के जाओगे, आपका हृदय परिवर्तन होकर के जाएगा, आपके सबसे कृष्ण भक्त बनकर के जाओगे, हृदय परिवर्तन होकर के जाएगा आपको, आप इसी स्वरूप में नहीं जाओगे, सात्विक बात में पूरा के पूरा गोपी बन जाओगे, भगवान की सखी बनकर के यहाँ से जाओगे, ठाकुर जी की भक्त बनकर के जाओगे। श्रीमद भागवत कथा देखो जिस समय गोकर्ण ने कथा सुनाई, लेकिन केवल एक ही रथ आया लेने के लिए, वो एक रथ आया, बच्चों इधर से नहीं, बच्चों को ना मन मना कर दो, बैठ चुपचाप बैठ रहे, ये बच्चों को मना कर खेलने नहीं, हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने जब उन्होंने कथा उनको सुना दी, लेकिन केवल एक रथ आया, गोकर्ण ने प्रश्न किया भैया यहाँ पर तो कथा सुनने के लिए इतने लोग बैठे हुए, लेकिन तुमने एक रथ क्यों लाए हो, बोले देखो ये जो कथा है ना एक व्यक्ति ही कथा सुने, बोले यहाँ पर जो बैठे थे बोले कथा कोई नहीं सुनी, बोले क्या बता रहे हो, सात सात दिन तक बैठ कर कथा सुने आपने कथा नहीं सुने, बोले बैठने पर थोड़ी होगा, बैठने पर नहीं होगा, इसलिए कथा सुननी चाहिए। देखो एक व्यक्ति एक समय दुकान में मूर्ति खरीद करने गए, उन्होंने देखा तीन मूर्ति, उन्होंने पूछा भैया इसका क्या कीमत है, बोले पहला मूर्ति का कीमत 100 रुपया, बोले दूसरे मूर्ति बोले 500 रुपया, बोले तीसरी बोले 5000, बोले क्यों, ये तीनों तो देखने में एक सा है, आप इतने फर्क क्यों, बोले 3 गिलास दूध लेकर के आओ, अभी इसका फर्क पता था, जो पहला मूर्ति 100 रुपया की थी उसको कान में दूध डाले ना और जिधर डाला वो उधर निकल कर आ गया, बोला देखो ये जो सुनता है सुनता तो है लेकिन यहाँ से जब निकलता ना पल्लू को यही झाड़ कर जाती, बोले कथा तो यही रही है, कथा तो यही रही, हम तो जा रहे हैं है? इसलिए एक समय कोई सास बहू थी, सास रोज कथा सुनने जाए, एक दिन एकादशी आए तो बहू ने बोले भैया मेरे को भी कथा सुना ले लेंगे, बोले तेरे को सुनाने का कोई जरूरत नहीं, बोले ले चलो आज एकादशी व्रत एक बार कर ले चलो, पंडित जी बड़ी सुंदर एकादशी कथा सुनाए, आज एकादशी है ना, आज एकादशी है ना, हाँ देखो आज क्या तुम्हें कथा सुन, मतलब बहुत भाग्य, इसलिए भागवत में देखोगे कोई बाहर व्रत का नाम नहीं है, केवल एक एकादशी कथा भागवत में आती है, केवल जिसको अम्बरीश महाराज करते थे पत्नी को साथ में, जिसको नंद जसोदा रखा करते थे,
जिसको पांडव निर्जला व्रत भी कहते हैं, जिसको पांडव लोग करते थे, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा भी रखती थी, इसलिए दूसरी जन्म में उनकी पटरानी बन करके आई। इसलिए भागवत में केवल एक एकादशी कथा को उन्होंने एकादशी महिमा खूब सुना है। कभी एकादशी आप लोग भी सुन लो, आज एकादशी है ना, फिर से सुन लो। कभी एकादशी को बताया कि कल्प वृक्ष व्रत है। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे एकादशी करके वही मिलेगा। देखना एक एकादशी का नाम कामदा, मतलब कोई भी कामना को लेकर को एकादशी करोगे तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। एक का नाम पाप मोचन, अगर वो एकादशी करोगे तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएगा। एक का नाम है मोक्षदा, जो एकादशी करने से तुमको मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, नंद बाबा का घर में पुत्र नहीं था, उन्होंने एक एकादशी व्रत किया तो कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अगर वो किसका संतान नहीं, वो एकादशी का तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र जन्म लेगा। एक नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, वो एकादशी करोगे तो घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। एक नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब वो एकादशी व्रत करने से घर में खूब सस्य आती, घर में खूब अन्न आती है। इसलिए 15 दिन में एक एकादशी आप स्वयं पढ़ लेना ग्रंथ हो तो। हर एकादशी की अलग 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 कथा है। किस राजा का राज्य चला गया था, बिजनेस बंद हो गया था, एकादशी व्रत किया तो उसको बिजनेस चल गया, उसकी राज्य में शांति स्वरूप आ गई। इसलिए एकादशी को कल्प वृक्ष व्रत बताया, जो कुछ मांगोगे एकादशी आपको सब दे देगी। और एकादशी को बताया माधव तिथि, माधव तिथि मतलब ये भगवान कृष्ण का व्रत थी एकादशी। और एकादशी स्वयं लक्ष्मी स्वरूप, एकादशी ये लक्ष्मी स्वरूप सी एकादशी व्रत है, इसलिए उन्होंने एकादशी खूब बना सुना। देखो एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे के सारे पाप एकादशी में रहते। एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करता है, जो व्यक्ति एकादशी का दिन ये अन्न भोजन करता है उनको सारे पाप भुगतना पड़ता है। पंडित तो एकादशी की बड़ी बड़ी कथा सुना है, और एक समय दो पति पत्नी थे, उनको पता नहीं था एकादशी, लेकिन सवेरे उठते ही दोनों में लग गया झगड़ा। झगड़ा लग गई तो पत्नी ने बोले आज खाना ही नहीं बनाओगी, पत्नी ने गुस्सा कर बोला आज खाना ही नहीं खाऊंगा, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि आज एकादशी, सवेरे हो गया झगड़ा, पत्नी मान करके बैठ गई, पति भी मान करके बैठ गया, लेकिन उनकी अनजान में निर्जला व्रत हो गया। और दूसरे जीवन में वो राजा और रानी बन कर गया। अनजान में अगर एक व्रत हो गया तो इसकी कितने महिमा एकादशी व्रत की है। कथा सुनाए बहुत सुनकर बोले भैया इतने सुंदर सुंदर पंडित कथा बोलते हैं, एकादशी जो मांगो सो देता है, जरूर एकादशी व्रत रखूंगी। जब घर में गई इतने में बहू ने सुंदर फलाहार बनाया और सास को दिया तो सास ने कहा ये क्या, तुमने हलवा पूरी नहीं बनाया और तुमने आलू की सब्जी टमाटर डालकर नहीं बनाया। बोले क्यों सास जी, हम गए थे मंदिर में, वो संत ने बताया ना एकादशी की इतनी महिमा, जिसको सबके सब करते थे एकादशी। बोले इसलिए तो मैं तुम पर साथ में नहीं ले जाती थी, मैं इतने दिन से कथा सुन करके आती हूँ, एक भी अक्षर में लेकर के लाई नहीं। हाँ जब दरवाजा पार करती ना पल्लू वहीं पर झाड़ करके जाती हूँ, और तू एक दिन की कथा सुनने के लिए कितना सारी बात लिया है। इसलिए कहते जो पहला जो मूर्ति का कीमत था 100 रुपया, वो जो सुनता है इधर सुनकर इधर उसको निकाल देती है। दूसरी कान में जब दूध डाले इधर तो डाले सीधे इधर निकल करके आ गया। बोले इसका कीमत 500 रुपया, मतलब कथा तो सुनते हैं लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देती है। और जो तीसरा था ना उसको कान में जो दूध डाला वो पूरा के पूरा अंदर में चला गया। बोले इसका कीमत 5000, मतलब जो कथा सुनता है वो तो सब के सब अंदर में ले जाते हैं। इसलिए कथा ऐसे सुननी चाहिए जो अपना जीवन में उतार सके। ठीक है ना, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और आज एकादशी ना, एक बार नाम करने 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। आज एकादशी व्रत है ना, बोला और एक बार जोर कर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. इसलिए श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पहले देखो कथा सुनने के लिए नियम है विश्वास गुरु वाक्य सुन। पहला नंबर शास्त्र में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं होगा अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। बोले दूसरी लक्षण, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मिन दिनत्व भावना, अपने आप का अंदर में दीन ही भावना आनी चाहिए। और हाँ, इसलिए महाप्रभु कहते भक्ति करना तो चार गुण हो, क्या क्या है? बोले त्रिना तभी सुनीचे न तरर भी सही सुना, तीन घास से भी छोटे बनो, वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति हो, सबको आदर हो। कहते ना, अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते तभी किसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। सभी को भगवान की संतान मान करके सबका सम्मान दो, कभी अपने आप सम्मान के भूखे नहीं बनो, सबको सम्मान दो। ठाकुर जी की संतान मान करके सबके सब भगवान के जीव है, इसलिए सबको आदर दो, इसको अनादर मत करो। इसलिए स्वस्मिन दिनत्व भावनम मान दोष जय सचेषाम। इसलिए कथा सुनते समय एक मन से कथा सुनो। कितने मन से कथा सुनेंगे? एक मन से। इसलिए देखो, और एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे सुनूंगा तो बहुत बोल पाता है, जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। इसलिए बोले श्रोता दो तरह के, कितने तरह के? एक श्रेष्ठ है और एक कनिष्ठ। जो श्रेष्ठ श्रोता चार तरह के, कितने तरह के? चार। पहला नंबर हंस, बोले हंस मतलब क्या है? अब हंस को दूध दो ना, आप देखना वो पानी 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 पी तो पी लेगा, लेकिन नहीं दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब है जीवन में सार सार को तो ले लो और असार को छोड़ दो। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। मधुमक्खी देखे होंगे, देखना भले कांटा वृक्ष में फूल की नहीं हो, वहां भी बैठ करके शहद ग्रहण कर लेता है और चीज को छोड़ देती है। इसलिए हमें मधुमक्खी जैसे बन करके सार सार को लो और असार को छोड़ दो। तीसरा नंबर मछली। मछली देखे होंगे, देखना मछली का जो पलक है ना कभी छपती नहीं, वो एकदम टकटक लगा करके एकदम आँख को खोल करके रहती है और खीर समुद्र को दूध को पान करती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले मछली जैसे एकदम आँख खोल करके एक मन से कथा सुनो, एक मन से टकटक लगा कर कथा सुनो, आँख की पलक नहीं छपनी चाहिए। और जो तीसरा नंबर है, बोले तोता। तोता की एक विशेषत्व है, वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, वो केवल पक्के फल में ही चोंच मारता है। मतलब है ये मुंह जहां का नहीं मारनी चाहिए, मुंह वहीं पर मारो जहां पर भगवान की कथा हो। दुनिया की जहां की दर दर की बातें वहां पर नहीं बैठनी चाहिए, जहां हरि चर्चा हो रही है वहीं पर बैठनी चाहिए। और चार तरह का साधारण श्रोता। पहला नंबर भुरुण, ये एक पक्षी हिमालय पर्वत में रहता है। इसके एक स्वभाव है, इसको जैसे बोलो ना ठीक वैसे ही आपको दो बार सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर नहीं उतारेगा, कर्तव्य में उल्टा करेगा। दूसरा नंबर ऊंट। ऊंट को आप कोई कोमल कोमल अच्छे सुंदर सुंदर पत्ता तो वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कहाँ पर ये बबुल का पेड़, कहाँ पर कांटा पेड़ है, अपना मुंह से खून निकलेगा और उसको वो खाता रहेगा। तीसरा नंबर है भेड़िया। ये छोटे जाति के एक हिरण, छोटे जाति के एक बाघ होता है, वो हिरण को वैसे पकड़ नहीं पाता है, लेकिन जब हिरण कोई सुलीली शब्द को सुनकर के उसमें डूब जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक उसी समय में भेड़िया आक्रमण करता। मतलब क्या? ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वयं कथा नहीं सुनते हैं, लेकिन जो पास में बैठने वाले व्यक्ति को भी सुनने नहीं देते, बिना कारण के तुम्हारे घर में क्या खाना मिलेगा, सुने उसका बेटी छोरी ऐसे कर रहा था, बिना कारण के सुनेगा नहीं और पास व्यक्ति को सुनने नहीं देगी, इसको कहते हैं भेड़िया है। और चौथा नंबर बैल है। अब बैल को बढ़िया बढ़िया कोई फल दो, नहीं तो घास भूसा दो, दोनों में कोई फर्क नहीं समझता, दोनों को बराबर। मतलब भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी कथा हो, कोई भी कथा उसको सुनते हुए नहीं, हमें हर कथा नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए भगवान की कथा। और चार तरह का श्रोता है, सात्विक राजसी तामसिक और निर्गुण है। हाँ, ये चीज को अच्छे तरह समझो। बोले सात्विक की श्रोता किसको कहते हैं? बोले एक महीना दो महीना तो कथा सुन लिए, लेकिन उसको साथ में फिर कोई मतलब नहीं। कहते तामसिक कथा किसको कहते हैं?
बोले सात दिन जैसे कथा रखे, कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी मन नहीं लगा, एक चक्कर लगा रखे आ गए, नहीं तो आधा में आए लाल में आए, किसी तरह से सात दिन को सुन लेना। इसको तामस की कथा कहते हैं। बोले राजस की कथा किसको कहते हैं? बड़े बड़े ठार बार से कथा की आयोजन की। देखो हम आज भागवत कथा करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी कथा से तक सुनने में कोई मतलब नहीं। कौन चाय पानी पिया, कौन कहां पर रोका, कौन किया कर रहे, मूल जो भगवान की कथा कथा ही नहीं सुने, इधर उधर काम में समय को बिताते हैं। इसको राजस की कथा कहती, कथा कथा नहीं। लेकिन सही कथा क्या है? बोले सदा सेव्या श्रीमती भागवती वार्ता। जिसने अपना जीवन को ही भागवत बना दिए, रोज नियम कर घर में एक श्लोक हो नहीं तो दो श्लोक हो, एक अध्याय हो दो अध्याय, रोज जो अपना घर में गीता हो रामायण हो भागवत हो नियम करके। पहले माताएं क्या करती थी? यही करती ना, हर माता को देखो घर में सवेरे उठ करके गोपाल जी को स्नान करना, गीता पढ़ना, नहीं तो रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना। लेकिन ये टीवी और स्मार्टफोन आकर के ना सारे संस्कृत को बिगाड़ दिया। हाँ, ये हमारी सारी संस्कृति ने सब बिगाड़ दिया। ये सब चीजें आकर के पहले इधर उधर चीज थी नहीं, इसलिए माता बहने भाई लोग क्या करते थे? सत्संग में जाते थे, कीर्तन करते थे, घर घर में बैठ कर हरि चर्चा ही हुआ करती थी। इसलिए कहते जिसने पूरा जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दे, रोज नियम करके भगवान की भक्ति गीता भागवत पढ़े, कहते यही असली भागवत है, ये असली श्रोता यही है। अगर हम ऐसे अगर कथा को सचमुच से कथा को ध्यान देकर सुनोगे, हम पहले बताए ना ये भागवत कथा नहीं, ये कल्प प्रीतिया है, ये कल्प प्रीतिया है। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, हम कथा नहीं कल्प वृक्षों को नीचे बैठ रहे। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे वही मिलेगा, जो निर्धन उसको धन देता है, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निसंतान उसको संतान प्रदान करता है, जो दुखी उसके सुख प्रदान करती है। भागवत ऐसे एक ग्रंथ है, अगर सात दिन तक आपने सही सही कथा सुनी, सुनने का नियम पहला नियम बताए बिना खाए के सात दिन तक सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो गोपाला, ले तेरी कट्टी वाला, हाँ एक दिन भूखे नहीं रह सकते, आधा दिन कहते पूरा भूखे रहो, भैया ऐसे नहीं कर सकते। बोले अगर ऐसे नहीं सुनो तक सात दिन केवल घी पी कर कथा सुनो। बोले घी, एक किलो घी का कीमत 1000 रुपया, और पेट पतला हो जाएगा, बैठ नहीं सकते, बोले घी पीकर भजन के नहीं कर सकते। बोले अगर ऐसे नहीं कर सकते हो ना, फलाहार करते हुए कथा सुनो, फलाहार करके कथा सुनो। बोले फल का इतना कीमत है तब भी दिक्कत है। बोले अगर ये दिक्कत है, देखो सबसे जो बेस्ट है मियां बताए, एक बार फलाहार करो और एक बार अच्छे तरह से भोजन करो। बोले हाँ ये तो हम कर सकते हैं, ये सबसे कथा सुनने का सबसे बेस्ट नियम है, एक बार बढ़िया करके भोजन करो और एक बार फलाहार करो। अगर किसको इससे भी दिक्कत है, बोले भैया जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा को ठीक से सुनो, कथा को ध्यान से कथा सुनो। बोले भाई यही सबसे बढ़िया है। नहीं बढ़िया है, एक बार भोजन एक बार फलाहार, कुछ नियम तो रखनी चाहिए ना, कुछ नियम करके कथा सुननी चाहिए। इसलिए अगर ये कथा को कोई ध्यान से सुने, हम जो कुछ ये भागवत से मांगेंगे, ये भागवत साथ देखने हमारे सारी इच्छा को ये भागवत हमारी पूरी कर देती है। इसलिए आप लोग कल है ना एक काम करना, मेरे गुरु जी कहते थे, हमारे जो बड़े गुरु जी, जब व्यक्ति एक व्यक्ति आप ना कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर के आओ। कितने कितने भक्तों को? अपना अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आओ। गुरु जी कहते थे आप जिसको लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लेकर के आएगा उसका आधा 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 का पुण्य लेने वाले लाने वाले को मिलेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बुरे आदत में डाल दो, पाप करो, पाप फल मिलेगा। भागवत कथा से बड़ा पुण्य जगत में कुछ है ही नहीं। अगर किसको भागवत कथा में ले आओगे ना, इससे बड़ा पुण्य कुछ है ही नहीं। कथा सुन लेंगे ना, अनजान में सुन लिया शूद्र शूद्रा ने, उसको पूरा के पूरा राजा बन करके जन्मोगे। अगर भक्ति से सुनोगे तो क्या नहीं देंगे। इसलिए कोशिश करना एक एक भक्त 10-10 भक्तों को लेकर के आना, और कल से 3 से लेकर 6 बजे तक हम कथा को विश्राम से देंगे, फिर अपना घर में जाकर के अपना काम धाम आप कर सकते हो। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री श्री राधे। हाँ आप लोग बैठ बैठ के काम करते हैं, दर्द हो गया इसलिए थोड़ी सी उठ जाओ। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, नाचने वाले लोग हैं आज, एकादशी है ना, सुना
आज क्या है व्रत कौन सा आपको पता है? एकादशी मतलब क्या है? एकादशी मतलब ग्यारसी, बोलते ग्यारस कहते हैं। हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, और इसका जो मन ये राजा है, नियम है एकादशी का दिन सारी इंद्रियों को ठाकुर को सेवा में लगाओ, प्यार से नाचो, हाथों से ताली बजाओ, कानों से कथा कीर्तन सुना, जीवा से भगवान की नाम लो, सारे इंद्रियों को कृष्ण सेवा में।